हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू एसएससी हब। एसएससी हब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे मैं आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, अगर वो वीडियो अगर देखे नहीं होंगे तो जाके उसको देख सकते हैं। उसमें 5 क्वेश्चन में मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, वो तो वो सॉल्व क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। आपको दिया था होमवर्क के लिए, आपको खुद सॉल्व करने के लिए। अगर आप किए होगे तो मेरा आंसर मुझसे मिला लीजिए, अगर नहीं किए होगे तो आप क्या करेंगे, फिर से इसको क्वेश्चन को पॉज किए यहाँ से या फिर स्टार्ट कीजिए। देखिए, जो जो क्वेश्चन मैं छोड़ा था उससे उसको ही मैं करूँगा, क्योंकि आपको जो होमवर्क दिया था आपको ही पता चलेगा ओके मेरा मेथड क्या है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपका जो 20th नंबर ये मैं आपको दिया था, 20th नंबर में क्या दिया था मैं इन द गिविन फिगर, थोड़ा इसको ऊपर लेता हूँ। देखिए, इन द गिविन फिगर PR PT RTR टेंजेंट टू द सर्कल लाट क्यू, मैं आपको बताया था ये तीनों आपका टेंजेंट है। टेंजेंट मीन सपोज ये आपका एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये होगा वाई, ये होगा जेड, होगा जेड, मैं आपको बता दिया था। उसके बाद ये जो कंडीशन दिया था आपको, कौन सा कंडीशन नहीं दिया था, PR = RT + 3 मीन्स PR यहाँ पे क्या है आपको, x + y मीन्स PR मीन्स x + y = RT। RT क्या होगा, RT मीन्स y + z +3। तो यहाँ से इस साइड में लाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x - z = 3, ये बचेगा एक इक्वेशन। इसको आप नोट कर दीजिए पॉइंट में, अगर आप नोट करें, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ता है। ओके, x - z = 3 याद, यस, x - z = 3 याद रखिए, आया था एक इक्वेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, और एक इक्वेशन दिया, PR = PT PT + 1 मीन्स PR क्या है, सिमिलरली PRH x + y, PT क्या है आपका x + z + 1। तो यहाँ पे इस साइड लाएंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, बच्चा है क्या y - z = 1। एक निकाला था हम x - z = 3 एंड एक निकाला आप y - z = 1। ओके, इसके बाद आप क्या, आपको क्या दिया, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल RPT मीन्स टोटल का पेरीमीटर दिया है, मीन्स x + x, y + y, z + z मीन्स 2xy + z = 26 मीन्स x + y + z कितना हो जाएगा, 13। ओके, इसके बाद सबको आप एक्स एक्स में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आप वाई निकाल देंगे, सबको आप एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, देखिए यहाँ पे एक नोट कीजिए, एक सेकेंड, तो हमारा जो आपका नोट में जो आया, जो वैल्यू निकाला, उसको आप थोड़ा ध्यान से इसको लिखेंगे या फिर इसको याद रखेंगे। चलिए, तो हमारा इसको इरेज करते हैं, आपको वैल्यू तो पता चल गया हमको क्या क्या निकाला। एक बार मैं भी यहाँ पे शॉर्ट से लिखूँगा, x + y + z हमारा 13 आया। उसके बाद हमारा निकाला था क्या, देखिए हमारा निकाला था हम y x - z 3 निकाले थे, y - z 1 निकाले थे। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड करिए, ये माइनस कीजिए, माइनस करेंगे मीन्स x - y कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हमको क्या मिल गया, x - z = 3 मिल गया, y - z = 1 मिल गया, x - y = 2 मिल गया। ओके, तो तीनों हमारे इक्वेशन मिल गया। उसमें हमको x + y + z इसमें क्या करना है, जो x - z = 3 इसको x में कन्वर्ट कीजिए। तो हमारा बचेगा क्या, देखिए x कितना हो जाएगा, 3 + z मीन्स x को यहाँ से रखिए, z कितना हो जाएगा, x - y कितना हो जाएगा, y, देखिए x - y = 2 है, तो अगर मैं x में कन्वर्ट करूँगा, x = कितना हो जाएगा, 2 + y, एक्स कितना हो जाएगा मुझे, 2 + y मीन्स वाई कितना हो जाएगा, x - 2। तो एक्स यहाँ पे देखेंगे, वाई कितना हो जाएगा, x - 2, एक्स तो यहाँ पे रहेगा ऐसे। उसके बाद आपका वाई कितना हो जाएगा, एक्स अभी निकाला x - 2 + x - 2, यहाँ से इरेज करता हूँ,
मैं थोड़ा आपको ये वैल्यू तो याद रखेंगे। देखिए एक्स तो यह रहेगा, वाई कितना हमारा एक्स माइनस टू, जेड कितना है आपका, जेड जेड आपका कितना है, देखिए एक्स माइनस जेड इक्वल टू थ्री था, तो जेड कितना, एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री ओके इक्वल टू 13। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस एक्स, टू एक्स प्लस थ्री एक्स, मीन्स थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 13। तो थ्री एक्स कितना हो जाएगा, एट एक्स कितना हो जाएगा आपका, एट बाई थ्री ओके। याद रखना एक्स हमारा निकले एट बाई थ्री ओके, एक्स इक्वल टू एट बाई थ्री। नेक्स्ट इसको देखिए कैसे करना पड़ता है, जिस एक्स इक्वल एट बाई थ्री, अगर एक्स इक्वल एट बाई थ्री तो एक्स माइनस जेड इक्वल टू हमारा निकला था थ्री, एक्स इक्वल एट बाई थ्री, एट बाई थ्री माइनस जेड इक्वल टू थ्री, तो थ्री से डाइवे मीन्स जेड इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, एक्स इक्वल टू एट बाई थ्री, जेड इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री ओके, जेड इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। उसके बाद वाई माइनस जेड हमारा था कितना, वन, जेड इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री मीन्स वाई प्लस वन बाई थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू टू बाई थ्री, तो वाई इक्वल टू टू बाई थ्री सब निकल गए। उसके बाद पूछा है हमको क्या, क्यू आर प्लस पी टी, क्यू आर प्लस पी टी, तो क्यू आर कितना था हमारा वाई, पी टी कितना था वाई प्लस जेड, मीन्स टू सॉरी पी आर, क्यू आर प्लस पी टी, क्यू आर मीन्स वाई प्लस पी टी, पी टी पी टी मीन्स यहाँ पे था आपका एक्स जेड, मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पूछा था। एक्स कितना निकला हम था, एट बाई थ्री, वाई टू बाई थ्री, जेड माइनस वन बाई थ्री, तो कितना हो जाएगा, एट प्लस नाइन बाई थ्री, आंसर क्या होगा, थ्री। तो यहाँ से आंसर क्या निकाला, एट थ्री। ऑप्शन से जाएंगे, बट बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसमें पहले बता देता हूँ। देखिए हमको एक्स, हमको देखिए टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड, अगर हम इसको एक्स एक्स, इसको वाई वाई, इसको जेड जेड ऐसे लेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या पूछा था, एक्स प्लस वाई जेड का वैल्यू पूछा था ना, क्यू आर प्लस पी टी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाता है, थर्टीन आ जाता है। तो बहुत सोचा अगर यहाँ पे थर्टीन होता तो इसको मार के आंसर आ जाते, तो ठीक है आपकी मर्जी। अब अगर ऑप्शन में यहाँ नहीं था, मैं तो पहले इसको थर्टीन निकाला था ऐसे ही, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देखा तो थर्टीन नहीं था, तो इसे निकाला तो थ्री आया, तो ऑप्शन से चूज करेंगे तो ठीक है सही बात जाएगा। क्वेश्चन इन द गिवन फिगर सी ए बी इक्वल टू, आपको कह दिया सी ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ए सॉरी एक क्वेश्चन में कर दिया था, इसको नहीं करना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चंस हाँ क्वेश्चन आपको दिया था, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। चलिए मैं क्वेश्चन आपको दिया था, कुछ सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर आपको दिया था करने के लिए, एक्स वाई आर एक्सपेक्टेड टू पॉइंट्स ऑन द साइड डी सी एंड ए डी आर पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देन द एरिया ऑफ द ए बी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बहुत गलत भी है इस बुक में है ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्स वाई एंड एक्सपेक्टेड टू पॉइंट्स ऑन द साइड डी सी एंड ए डी आर पैरेललोग्राम, देखिए एक पैरेललोग्राम है उसके बाद है, सपोज यहाँ पे ए है, ए बी है, सी है, ए डी है, ओवरलैप सी डी एंड ए डी के ऊपर एक्स वाई दो पॉइंट है, एक्स वाई यहाँ पे वाई, तो बोला एरिया पे ए बी एक्स कितना होगा, ए बी एक्स कितना होगा। देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे जो एरिया होगा सेम बेस, अगर दो लाइन आपका पैरेलल है, इसका जो एरिया होगा ओके, इसका वही एरिया होगा, इसका वही एरिया होगा, सबका एरिया सेम रहेगा। बट इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, बी वाई सी में ऑप्शन में फॉर्म दिया है, तो बी वाई सी का एरिया में क्या होगा, तो देखिए पैरेललोग्राम में ही है ना, तो मैं यहाँ पे का हाइट हाइट कर देता हूँ, यहाँ एक हाइट डाल देता हूँ। तो एरिया सपोज ये साइड मेरा ए है, एक बी है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, मीन्स ये आपका है इस साइड में, अगर इस ट्रायंगल में बेस मानेंगे तो ए इंटू हाइट होगा, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट मीन्स ए इंटू हाइट, इसका एरिया होगा ए बी सी, ए बी एक्स का होगा ए इंटू हाइट, ए इंटू हाइट। ओके तो यहाँ से आपको इसके बाद आपको क्या पूछा है इसको ए इंटू हाइट मीन्स इसका एरिया आपको पता चल गया ए इंटू हाइट। सिमिलरली बी वाई सी का एरिया क्या होगा, ए होगा मीन्स सॉरी ये आपका हाँ ए होगा बी इंटू हाइट ओके, बी इंटू हाइट तो सॉरी
उसके बाद हमको हाइट निकालेंगे, तो हाइट निकालेंगे, हाइट भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाइट इक्वल टू इसे भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ द एबीएक्स, एबीएक्स का एरिया हमारा क्या निकाला, ए इंटू हाइट, एंड द एरिया ऑफ इस एबीएक्स, सॉरी बी बी वाई सी का क्या हुआ, बी इंटू हाइट, मीन्स अगर हाइट में इक्वल करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द एबीएक्स इक्वल टू एरिया ऑफ द, सॉरी द एरिया ऑफ द एबीएक्स इक्वल टू एरिया ऑफ द बी वाई सी। आई थिंक ये समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से आपको सॉल्व करके देता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी बोल दिया शायद। देखिए एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो बोला यहाँ पे एक एक्स पॉइंट है, यहाँ पे एक आपका वाई पॉइंट है, ओके आई थिंक छोटा करना पड़ेगा। तो इससे एक जो मीन सॉरी यहाँ से एक जो ट्रायंगल है इसका एरिया, आपका जो ऑप्शन में सब बी वाई सी बी वाई सी बी वाई सी बी वाई सी दिया है, तो हम बी इसका एरिया का क्या होगा। तो ठीक है, अगर मैं इसमें एक हाइट डालता हूँ, ओके इसमें, तो एरिया ऑफ ए एक्स बी में क्या होगा, एरिया ऑफ ए एक्स बी, देखिए एरिया ऑफ ए एक्स बी ऊपर जो ए एक्स बी क्या होगा, हाफ इंटू क्या होगा, ए इंटू हाइट, मीन्स ए इंटू हाइट, हाफ इंटू ए इंटू हाइट, ओके तो मीन्स ए इंटू हाइट इंटू एच, ए एच बाई टू किसका एरिया, इसका एरिया। सिमिलर अगर बी वाई से क्या मैं एरिया में करूँगा, यहाँ पे एक हाइट डालूंगा, तो ये आपका सपोज मैं क्या माना था, मैं इसको एक सेकेंड, इसको मैं ए माना था, इसको मैं बी माना था, ओके आई थिंक इसको ए बी माना था। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट, मीन्स बी एच बाई टू, ओके। तो हमको हाइट निकालना है, तो हाइट निकालेंगे, तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, आपको बता, इसका जो एरिया होगा, इसका किसका एरिया, ए एक्स बी का एरिया, तो इसका एरिया के साथ सेम होगा, मीन्स पैरेललोग्राम के एरिया के साथ सेम होगा, सेम बेस में अगर एरिया है, सेम बेस में, तो यहाँ से आप हाइट निकाल सकते हैं, मीन्स हाफ इंटू ए इंटू हाइट इक्वल टू आपका क्या होगा, ए बी, तो ए कैंसिल हो जाएगा, एच इक्वल टू आपका हाइट यहाँ से निकाल देंगे, सिमिलरली ये हाइट यहाँ से निकाल देंगे, अब एरिया यहाँ पे कंपेयर कर देंगे, ऐसे में स्पेस छोटा है, थोड़ा में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है समझने में, इसका एरिया आंसर होगा टू एरिया बी वाई सी आई निकाला गया, ओके अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, ओके और क्वेश्चन नहीं दिया था आई थिंक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके ऊपर छेड़ता हूँ। ए क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, इफ़ एन एंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ईच ऑफ द सेगमेंट आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल, देन व्हाट इज द सम ऑफ द फोर एंगल्स। इसका मुझे बताना है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ से एक सपोज एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल, यस इसको ऐसे क्वाड्रिलेटरल, अगर इसका क्वाड्रिलेटरल मीन्स यहाँ से आपका जो सेगमेंट यहाँ पे एंगल बना रहा है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहाँ से सब और एक अच्छे से बताता हूँ, फिगर अच्छा नहीं हो रहा है इसमें, यहाँ पे एक स्क्वायर स्क्वायर सर्कल के अंदर एक आपका ये है, इसका यहाँ से यहाँ जो सेगमेंट है यहाँ से आप एंगल बनाता है, वो बोल रहा है इस चारों एंगल का सम क्या होगा, ओके इस क्वेश्चन को मुझे बताना है आपको सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल 6 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल 10 सेंटीमीटर, तो ध्यान से पता चलता है एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू आर 8, पी 6, पी आर इक्वल टू 10, अगर पी आर आपका 10 है तो आपको पूछा रहा है, उसके बाद द लेंथ ऑफ द मीडियन बाइसेक्टिंग द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड क्या है, 6 है, तो मीडियन यहाँ से आएगा, बाइसेक्टिंग मीन्स मीडियन आपको दो साइड में दो इसमें डिवाइड करता है, मीन्स दो पाथ में, ए आपका 3 है, ए आपका 3 है, और बोला क्या है आपका आर एज मीडियन का लेंथ क्या पूछा है, मीडियन अभी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये आपका 3 है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 64 प्लस 9 मीन्स 70, रूट 73, रूट 73 ऑप्शन में नहीं है, तो 10 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 8.5 होगा, ओके तो 8.5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, सर्कल, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है। इफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ए, तो साइड ऑफ द ट्रायंगल ए है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर यहाँ पे अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स इन रेडियस क्या होगा, ए बाई 2√3, मीन्स सर्कल का जो डायमीटर होगा तो वही होगा आपका डायमीटर इसका स्क्वायर का, सॉरी डायगोनल होगा, इसका जो डायमीटर होगा स्क्वायर का डायगोनल होगा। तो ए 2√3 इंटू 2 मीन्स ए बाई रूट थ्री, मीन्स आपका सर्कल का जो डायमीटर होगा वो होगा ए बाई रूट थ्री। कैसे ना, एक रेडियस है, रेडियस है क्या ए बाई 2√3, तो डायमीटर होगा ए बाई रूट थ्री। अगर डायमीटर आपका ए बाई रूट थ्री है, समझ में आएगा, डायमीटर आपका ए बाई रूट थ्री, तो 2 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू ए बाई रूट थ्री, तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा ए बाई 2√3। ओके आई थिंक समझ में आ गया, 2 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर, सॉरी रूट 2 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू रूट थ्री, तो ए कितना हो जाएगा आपका 6√6 ए बाई 6, मीन्स कौन सा हो जाएगा आपका साइड जो हो जाएगा आपका ए बाई 6। उसके बाद साइड का स्क्वायर पूछा है हमको, सॉरी स्क्वायर का एरिया पूछा है, स्क्वायर का साइड हमको पता चल गया ए बाई 6, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर बाई 6, आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 6। ये तो इजी क्वेश्चन है आपके लिए। एक साइक्लिक क्वाड्रेटर इज सच दैट टू ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स आर डिविजिबल बाय 6 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, वन ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स विल नेसेसरीली डिविजिबल बाय। देखिए क्वेश्चन पूछा है, एक साइक्लिक सच दैट टू ऑफ द, इस क्वेश्चन का आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे इसका आंसर मुझे बताना है, थोड़ा इसके हिंट दे देता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रेटर इज सच दैट, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, एक क्वाड्रेटर है, ए एंगल आपका 6 से डिविजिबल है, ए आपका 10 में डिविजिबल है, और जो दोनों एंगल रहेगा किससे डिविजिबल होगा, नेसेसरी है, 3 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, 9 होगा। मुझे यहाँ पे आंसर बताना है आपको खुद कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी के ऊपर आप बेस है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर आर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स ऑफ देयर रेडियस। ओके मीन्स वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ देयर रेडियस। ओके ए दिया आप, ओके टू स्पीयर्स ऑफ द सेम मटेरियल वे 3.6 केजी, एंड देखिए वॉल्यूम दे दिया आपको 3.6 केजी फर्स्ट का, सेकंड का दिया है 2.6 केजी, एंड रेडियस ऑफ द स्मॉलर वन, एंड स्मॉलर वन का रेडियस दिया दिया आपको 2 सेंटीमीटर्स। इफ द टू वे आर मेल्टेड डाउन एंड फॉर्मड इन पे सिंगल स्पीयर व्हाट विल बी इट्स रेडियस। ओके तो हमको रेडियस निकालना होगा, देखिए हमको पूछा है, पहले का तो रेडियस हमको पता है 2/7 वॉल्यूम इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन्स हम इक्वल टू के समथिंग कॉन्स्टेंट 2 का क्यूब ले जाएंगे। 2.7 को हम सेंटीमीटर पर कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन वहाँ पे हम सेंटीमीटर है, सेंटी मीन्स 1 के जी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा 2700 सेंटीमीटर्स इक्वल टू के बाई 8, के 8 मीन्स के इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 8 बाई 2700 बाई 8, समझ में आ गया होगा, के इक्वल टू 2700 बाई 8। ओके उसके बाद आपको दिया सेकेंड में, सिमिलरली 3600 सेंटीमीटर हो जाएगा इक्वल टू के इंटू आर, नहीं मुझे आर क्यू, तो के यहाँ से आया 2700 बाई 8, यहाँ से पुट कर देंगे 2700 बाई 8, तो यहाँ से आर का वैल्यू निकाल देंगे, जो आर का वैल्यू आपको आएगा किसका आएगा, दोनों अभी दोनों मिला के, दोनों मिला के एक नया स्पीयर मीन्स नया नया करेंगे कुछ स्पीयर को, तो पहले का 4/3 पाए जो आर क्यू मीन्स 2 का क्यू है पता है, सेकेंड का भी 4/3 पाए जो आर निकालेंगे उसका क्यू इक्वल टू 4/3 पाए आर क्यू, के आर क्यू इसका रेडियस, इसका रेडियस पूछा है ना, तो यहाँ से 5/3 सब तो कट हो जाएगा, बचा गया 8 + आर क्यू इक्वल टू जो नया का क्यू, आर यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे आंसर निकालेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यहाँ पे स्पेस छोटा है, यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर आपका आपको नहीं हुआ तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16-17 आपको जरूरत नहीं है, ये थोड़ा दूसरा क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 18 हम बाद में करेंगे, अभी जो 5 क्वेश्चन है थोड़ा टॉप लेवल का क्वेश्चन में आपको दे दिया, इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18-19-20 को। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।
ओके थैंक यू।